Hello students, welcome back. Today we are going to discuss the second chemical properties of metals. The property is reaction of metal with water. तो बच्चों ये देखा गया कि metals जो हैं, ये जब पानी के साथ react करते हैं तो अलग अलग behavior शो करते हैं. जैसे कि कुछ metals जो हैं, ये cold water के साथ ही react कर लेते हैं, लेकिन कुछ metals जो हैं, ये hot water के साथ react करते हैं. और वहीं कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. तो हमें मेटल्स के केस में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है ऑन देयर रिएक्शन विद वाटर. तो आइए हम सबसे पहले तो ऐसे मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि metals show different tendency in their reaction with water, in their reaction with water, full stop. Hence, these reactions are classified in three categories. सबसे पहले metals which react with cold water. तो यहां पर हम देखेंगे metals such as sodium, potassium, rubidium, cesium, calcium react with cold water and release hydrogen gas. रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? मेटल प्लस वाटर कोल्ड, इसको आप लिक्विड लिखिए, नीचे लिखिए कोल्ड. प्रोडक्ट मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. आपने बच्चों पढ़ा होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ये चार ऐसे मेटल्स हैं जो पानी में जैसे ही डाले जाते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और बना लेते हैं अपना हाइड्रोक्साइड, प्लस प्रोड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन गैस. इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस H2 गैस. ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है. दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एज अ रिजल्ट द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन कैचेस fire. तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो वायलेंट हो जाती है. दिस इज वायलेंट रिएक्शन. और इनको हम प्रिकॉशंस यूज करके करवाते हैं इन रिएक्शंस को, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए. तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हमने ऊपर लिखा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये चारों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के. तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके और एक ही जैसी रिएक्शन शो करते हैं. इसके केस में NaOH बन जाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी. इसके केस में KOH बन जाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी. इसके केस में रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी.
और इसके केस में सीजियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये सभी रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज करती है। इस वजह से इन सभी रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है उसमें आग लग जाती है। तो आप ये बात जो है वो नोट कर लो इसको कि इन ऑल दीज रिएक्शंस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यू टू विच हाइड्रोजन गैस अंडरगोस कंबशन। तो हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, ठीक है। तो यही पॉइंट आएगा इसके अंदर, ये सभी रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हो गए जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, यहां पर ये सभी बेस हैं, तो ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाती है नेचर में इसके फॉर्मेशन की वजह से। तो अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो एल्केली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये हो गए रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम विद वाटर। अब देखो कैल्शियम जो है वो यहां पर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन कैल्शियम की रिएक्शन जो है वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितनी इन मेटल्स ने की। तो इस वजह से कैल्शियम की रिएक्शन जो है वो लेस वायलेंट होती है। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट इट रिलीजेस लेस हीट, एज अ रिजल्ट द रिएक्शन इज नॉट वायलेंट। तो हम कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को, कैल्शियम प्लस वाटर इससे बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज इन दिस रिएक्शन। कैल्शियम सॉलिड था, वाटर लिक्विड था, इसने बनाई ये सॉल्यूशन। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन यहां पर आपको ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा, इन दिस रिएक्शन लेस हीट इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर हाइड्रोजन गैस डू नॉट कैचेस फायर। तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच नहीं करती। तो ये हो गए वो मेटल्स जो रिएक्ट कर लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ। अब बच्चे एक क्वेश्चन जो है वो इस रिएक्शन से और पूछा गया, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, Why? ये मेटल पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है जब ये रिएक्ट करना शुरू करता है वाटर के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसी रिएक्शन के अंदर है। यहां पर हम लिखेंगे When calcium react with water, it produces हाइड्रोजन गैस फुल स्टॉप। दिस हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स एंड मेक्स इट लाइटर। इसको हल्का बना देती है। एज अ रिजल्ट कैल्शियम राइज टू द सरफेस ऑफ वॉटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो ये हो गया रीजन। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ था, ठंडा पानी था ये, हमने इसमें कैल्शियम जो है इसका टुकड़ा डाला,
तो कैल्शियम जो है वो धीरे रिएक्ट करता है, तो धीरे धीरे इसकी सरफेस पे बबल्स जो है वो बनने लग जाएंगे। ये बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, तो बबल्स बनने की वजह से ये हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, और इसी वजह से ये फिर कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, सरफेस पे फ्लोट करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज बबल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है सरफेस पे, तो आपको आंसर में ये लिखना है ड्यू टू द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स, दीज बबल्स मेक्स इट लाइटर एंड हेंस इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। अब हम आ जाते हैं उन मेटल्स पे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सेकेंड कैटेगरी में मेटल्स विच रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ अब कौन कौन से मेटल्स जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं पढ़ते हैं हम। तो यहां पर बच्चों हमें मेटल मिलता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिखी जाती है इस तरीके से, यहां पर हॉट वाटर जो है वो लिया गया, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ और क्या बनाएगा MgOH whole twice प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज इन दिस रिएक्शन। ये हो गई ये रिएक्शन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अब देखो बच्चों ये रिएक्शन जो है इसके अंदर भी द हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड स्लोली स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एंड मेक्स इट लाइटर फुल स्टॉप, हेंस इट ऑल्सो फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आफ्टर सम टाइम। तो जैसे कैल्शियम जो है वो फ्लोट कर रहा था, वैसे ही मैग्नीशियम जो है ये भी हमें फ्लोट करता हुआ मिलता है जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। और ये भी सेम रीजन है, हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो बबल्स की फॉर्म में इसकी सरफेस पे स्टिक हो जाती है और वो इसको लाइटर बना देती है, इस वजह से ये भी सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है वाटर के। तो ये हो गई थर्ड सेकेंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद हॉट वाटर। अब आ जाते हैं ऐसे मेटल्स पे जो ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि मेटल्स दैट रिएक्ट विद स्टीम। तो यहां पर मेटल्स जैसे कि मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम जिंक आयरन एक्सेट्रा रिएक्ट विद स्टीम। ये मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, दे प्रोड्यूस टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं ताकि हाइड्रोक्साइड, अभी तक जो हमने मेटल्स पढ़े वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं एल्यूमिनियम को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज इन दिस रिएक्शन। तो इसको आप बैलेंस कर लो, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ऐसे ही जिंक जो है ये भी
स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। जब वाटर को गैसियस स्टेट में लिखते हैं इसका मतलब ये स्टीम है। तो यहां पर भी क्या बनेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, एल्यूमिनियम जिंक आयरन आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और प्रोड्यूस करेगा Fe2O3 प्लस 3H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो इन सभी रिएक्शंस में हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो ये हो गई हमारी ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर स्टीम के साथ रिएक्शन होती है। इसके अलावा अब कुछ ऐसे मेटल्स भी बच जाते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, तो ऐसे मेटल्स को क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स। तो यहां पर अब हम लास्ट में ये पॉइंट नोट डाल के लिख लेते हैं, मेटल्स सच एज कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट react with cold water, hot water or steam। ना तो ठंडे पानी के साथ react करते ना ही गर्म पानी के साथ और ना ही steam के साथ। Hence these metals are called noble metals। और इसी वजह से इनको यूज किया जाता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन शो नहीं करते वाटर के साथ। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद वाटर।